दोस्तों, ये शॉर्ट आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ट्रेंड हो रहा है कि भगवान बुद्ध की मूर्ति एक खेत में है और एक लड़की उस मूर्ति के ऊपर चढ़ती है और अपनी बाएं फैलाकर उड़ने के बारे में सोचती है। तो खेत में काम कर रहा उसका पिता उसे डांटता है और भगवान के मूर्ति के ऊपर से तुरंत नीचे उतरने को कहता है। तो लड़की पिता को समझाती है कि बुद्ध ने तो खुद कहा था कि मैं भगवान नहीं हूँ और आप उसे भगवान कह रहे हैं। फिर भी पिता उसे नीचे उतार देता है तो लड़की कहती है, मैं कुछ करना चाहती हूँ मगर आप मुझे हमेशा रोकते हैं। तो पिता कहता है, तू यहाँ सिर्फ पढ़ने आई है, पढ़। ये सीन असल में उस शॉर्ट फिल्म का है जो सोनी लाइव नामक OTT प्लेटफॉर्म पर दिखाई जा रही है, जिसका नाम है धम्मम। इस सीन के बारे में आजकल काफ़ी चर्चा चल रही है। कुछ लोग इसके सपोर्ट में तर्क दे रहे हैं तो कुछ ये सीन ही अनुचित अतार्किक है और गलत संदेश दे रहा है, इस पर अड़े हैं। जब मुझे कुछ दोस्तों ने इस पर अपनी राय रखने के लिए कहा तो मैंने कहा कि पारंजीत एक लोकप्रिय अम्बेडकरवादी फिल्म डायरेक्टर है। हम दोनों न्यूयॉर्क में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में साथ में थे और दोनों को दलित विषयों पर फिल्म बनाने के लिए अवार्ड भी मिल चुका है। मुझे नहीं लगता कि वो कोई गलत संदेश देने के लिए फिल्म बना सकता है। और बाद में जब मैंने पारंजीत का ये स्टेटमेंट पढ़ा कि उनके मन में ये फिल्म बनाने का विचार तब आया जब वे डॉक्टर बाबा साहब का बुद्ध एंड हिज धम्मा पढ़ रहे थे, तो जाहिर है मन में और क्यूरियोसिटी बढ़ी कि रंजीत ने बुद्धम, धम्मम और संगम इन तीनों रत्नों में से धम्मम ही क्यों चुना। तो क्या वे इस फिल्म से बुद्ध के धम्म को बताना चाहते हैं या और कुछ बताना है। इसे जानने के लिए मैंने ठान लिया कि अब समय निकालकर फिल्म को देखना ही पड़ेगा। और कल मैंने सोनी लाइव में ये शॉर्ट फिल्म देखी और दो बार देखी, जो ओरिजिनली तमिल में है और हिंदी के साथ कई भाषाओं में उसे डब किया गया है। पारंजीत की फिल्म हमेशा ही जोश भरे उन मूल निवासियों की रहती है जो साधारणता शांत रहते हैं मगर किसी ने उन्हें छेड़ा तो अपनी पर आकर उसका जवाब भी देते हैं, चाहे काला हो, कबीला हो या फिर ये धम्मम हो। यह तकरीबन आधे घंटे की फिल्म है और तमिल पार्श्वभूमि की फिल्म होने के बावजूद उसमें कई सामाजिक संदेश अलग अलग एंगल से दिए गए हैं, जिस पर मैं बात रखूंगा। मगर पहले शॉर्टकट में फिल्म की कहानी को समझते हैं, क्योंकि कई लोगों के पास सोनी लाइव नहीं होगा तो वो फिल्म नहीं देख पाएंगे और इस सीन तक ही सीमित रहेंगे। कहानी यूं है कि एक तरफ एक खेत है, उस खेत के बीच भगवान बुद्ध की मूर्ति आधी जमीन के ऊपर निकली दिखाई गई है। बगल के खेत में एक गरीब किसान जिसके पास सिर्फ एक एकड़ जमीन है उस पर वो मेहनत कर रहा है। उसकी लगभग 10 साल की लड़की भी उसके साथ है और खेलते खेलते वह भगवान बुद्ध की मूर्ति पर खड़ी हो जाती है और दोनों हाथ फैलाकर पक्षियों के जैसे उड़ना चाह रही है। तभी बाप उसे उतरने के लिए कहता है और जो मैंने पहले बताया वही संवाद बाप और बेटी के बीच में होता है। जिस तरह भगवान बुद्ध की मूर्ति के ऊपर लड़की को खड़ी दिखाया गया है उसी के कारण यह पूरी फिल्म पर चर्चाओं का बाजार गर्म है, वरना शायद ये भी आई गई बात हो गई होती। क्योंकि उसके बाद जो छोटी सी बात पर खून खराबा दिखाया गया है वो किसी को आसानी से समझता नहीं है और शॉर्ट फिल्म का मकसद ही होता है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे और दर्शक उस पर अपना विचार रखे, उस पर सोचे। फिल्म में आगे हम देखते हैं बाप और लड़की का संभाषण चलते ही रहता है कि एक चरवाहा औरत जिसका नाम कोमाता होता है अपने गाय भैंसों को चराने वहाँ आती है और उस आदमी से किसी ना किसी बहाने बात करना चाहती है मगर वह टाल देता है और अपने काम में लग जाता है। इसी बीच शेखर नाम का बड़ा ताकतवर बलशाली किसान आकर उस औरत के गाय भैंसों को पत्थर से मारते हुए अपने खेत से भगाता है, जिससे उस औरत और शेखर में बाचाबाची होती है और शेखर उस औरत को कहता है कि तू उस एक एकड़ के किसान से पिंगे बढ़ाना बंद कर दे और अपने जानवरों पर ध्यान दे, और उस औरत को धमकी देता है कि अब उस गरीब किसान से मिलते मत जा और वह किसान आगे कैसे खेती करता है देख लेगा और उसे यहाँ से भगा देगा। शेखर आगे बढ़ता है तो आगे खेतों के बीच से एक छोटी पगडंडी होती है जिस पर से पहले क्रॉस करने के लिए किसान की 10 साल की लड़की और शेखर के बीच में कहासुनी होती है। लड़की कहती है वह पहले आई है, तुम पीछे हट जाओ, तो शेखर कहता है तू पीछे हट जा, मैं पहले जाऊँगा। इसी कहासुनी में लड़की का धक्का शेखर को लग जाता है और शेखर कीचड़ से लबालब धान से भरे खेत में गिर जाता है और खड़ा होकर उस लड़की को भी कीचड़ में ढकेल देता है।
ये देख वह गरीब किसान दौड़कर वहां आता है और शेखर को रोकता है, मगर आग बबूला शेखर किसान पर टूट पड़ता है। अनजाने से किसान का फावड़ा उसे लग जाता है और वह पूरी तरीके से घायल होकर मरणासन्न अवस्था में चला जाता है। इसमें किसान का डायरेक्ट कोई दोष नहीं होता है, मगर वह पछताता है और उसे लगता है उसने शेखर को मार डाला है और वह अपनी लड़की को वहां से जाने को कहता है। मगर शेखर में कुछ जान बाकी होती है, तब वह किसान और उसकी लड़की किसी तरह उस भारी भरकम शरीर के शेखर को अस्पताल में ले जाने की कोशिश करते हैं। ये सारा माजरा वह चरवाहा औरत कोमाता देख लेती है और चीखते हुए शेखर के रिश्तेदारों को वहां लाती है, जिसमें उस जमींदार के दो भाई और बाप होता है। किसान कहता है उसका मारने का इरादा नहीं था, मगर ये हो गया, तो चलो पहले इसकी जान बचाने के लिए इसे अस्पताल लेकर चलते हैं। मगर वो नहीं मानते और किसान को जान से मारने के चक्कर में मरणासन्न अवस्था में पड़े शेखर की जान को बचाने को छोड़कर उस किसान के जान लेने के पीछे पड़ जाते हैं। हालांकि उनमें एक भाई समझदार भी होता है जो किसान पर हमले का पहले विरोध करता है, मगर अपने बाप की बातों में आकर वह भी हमला करता है। आखिर वह किसान जो पहले अपनी जान बचाने के चक्कर में हाथ जोड़ता है, माफी मांगता है, उस जख्मी को बचाने के लिए गिड़गिड़ाता है, मगर जब उसे वो नहीं मानते तो अपनी जान बचाने के लिए उसे सभी से लड़ना पड़ता है और उस बुद्ध मूर्ति के अगल बगल एक दूसरे की जान लेने का हत्याकांड शुरू हो जाता है। गरीब किसान कमजोर होता है, मगर सभी पर भारी पड़ता है और मारने वाले सभी लोग जख्मी होकर आखिर गिर पड़ते हैं। आखिर वह किसान भी जख्मी होकर गिर पड़ता है। तब उस गरीब किसान की लड़की हाथ में चाकू लेकर आती है और बाप को बचाती है, मगर किसान अपने लड़की को चाकू फेंकने को कहता है। शेखर का भाई भी रुक जाता है और अपने दूसरे भाई को भी हमला करने से रोकता है। आखिर वह किसान और लड़की उस जख्मी शेखर को अस्पताल लेकर जाते हैं। यहीं पर यह फिल्म खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये एक छोटी सी कहानी है, मगर बहुत कुछ संदेश देती है। तो चलिए अब इस कहानी का विश्लेषण करते हैं। पहले तो खेतों के बीच जमीन से आधी झांकती बुद्ध मूर्ति प्रतीकात्मक रखी गई है, जो जतलाती है कि यह देश अहिंसा और करुणा के दूत बुद्ध की धरती है, जिसे लोगों ने अब ईश्वर तक सीमित किया है। ईश्वर मतलब पूजा पाठ या कर्मकांड के लिए और आशीर्वाद पाने के लिए बनाई गई धार्मिक व्यवस्था, जिसे बुद्ध ने अस्वीकार किया है। फिर भी आज बुद्ध आइडियोलॉजी को भुलाकर उस प्रतिक्रांति की आइडियोलॉजी को स्वीकार किया गया है, जो समाज में अमीर गरीब, ऊंच नीच और भेदभाव का प्रसार करती है। लड़की जिसने बुद्ध के आइडियोलॉजी को समझा है, वह उसमें ईश्वर नहीं दिखती, बल्कि बुद्ध के आइडियोलॉजी को अपने पंख समझती है और उसके सहारे अपनी प्रगति करना चाहती है, या उसे वो करने नहीं दिया जा रहा है। और कहानी का दूसरा तर्क यह है कि भारत भूमि पर कई विचारवंतों ने स्त्री आज़ादी के लिए कार्य किए, मगर बुद्ध, ज्योतिबा फुले और बाबा साहब के इतनी पैरवी किसी ने नहीं की है। तो जाहिर है, धार्मिक अज्ञानता से स्वतंत्रता के लिए लड़ती लड़की की वैचारिक उड़ान को दिखाने के लिए बुद्ध के विचारों की प्रतीकात्मक मूर्ति पर आरूढ़ होकर ही आज़ादी की उड़ान भरते हुए उसे दिखाया गया है। वरना इस बात को समझाने के लिए बहुत से सीन लिखने पड़ते हैं और वो फिल्म काफ़ी लंबी हो जाती है और उतना इम्पैक्टफुल भी नहीं हो पाती। दूसरा, इस पूरी फिल्म में 8 कैरेक्टर्स हैं जो किसी ना किसी समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं और कहानी के दूसरे एंगल को उभारते हैं, और हर कैरेक्टर देखने वाले से एक प्रश्न पूछता है जो बुद्ध की आइडियोलॉजी के खत्म होने के बाद इस देश में उभरा है। क्या किसी तत्ववेत्ता को ईश्वर में परिवर्तित कर उनके उपदेशों को निरर्थक किया जा सकता है? क्या आज बुद्ध के विचार सिर्फ उपदेश रह गए हैं? असल में हिंसा ही व्यावहारिक है और वही दुख मुक्ति का मार्ग है। कहानी का तीसरा एंगल अब हम समझते हैं, जो हर कैरेक्टर को एक आइडेंटिटी देता है और उसे एक नतीजे पर लाकर उसका समाधान करता है। वो किसान उस मूल निवासी भारतीयों का प्रतिनिधित्व करता है जो मेहनत कर अपनी आजीविका कमा रहा है और अपनी दुनिया में खुश है, जिसकी थोड़ी सी जमीन बची है जिस पर वह जी तोड़ मेहनत कर रहा है, और अपने लड़की में उसे अपना भविष्य दिखता है और इसलिए उसे वो पढ़ाना चाहता है। ये लड़की आज के मूल निवासियों के उन नौजवान बच्चों का प्रतिनिधित्व करती है जो शिक्षा के प्रति गंभीर है, अपने हकों के प्रति जागरूक, जो बुद्ध में ईश्वर नहीं बल्कि अनंत प्रगतिशील विचारों का दर्शन देखती है और वह उन विचारों के सहारे उड़ना चाहती है।
एक तरफ वो बुद्ध के अहिंसा और शांति पर चलने वाले एक संघर्षशील नौजवान का प्रतिनिधित्व करते हुए दिखती है, अपने अधिकार जानता है और उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं है और वक्त पड़े तो लड़ने को भी तैयार है, जो अपने से कई गुना शक्तिशाली शेखर को रोक देती है और कहती है, यह मेरा हक है, मैं इस जगह पर पहले आई हूँ, आपको रास्ता छोड़ना होगा। दूसरी तरफ उस पढ़े लिखे शोषक उच्चभ्रू समाज का प्रतिनिधित्व वह हट्टा कट्टा शेखर करता है, जिसके माथे पर लगा टीका उसके धार्मिक वर्चस्व को जतलाता है और साथ में वह शारीरिक मतलब संख्या के सहारे अपना वर्चस्व हर जगह कायम रखना चाहता है, जो दुर्बलों को गरीबों को मूल निवासियों को कूड़ा कचरा समझता है, जिसकी भूख कभी खत्म नहीं होती, गरीब किसान की जमीन उसका हक उसका रोजगार हथियाने के फिराक में रहता है, उसे डर है कि उसकी विधवा काकी कोमाता उस मूल निवासी से पिंगे बढ़ा रही है जो मेहनत कर उसके वर्चस्व को समाज में चैलेंज करते रहता है। कई शेखर के वर्चस्व को अपना सर्वस्व मानने वाला समाज कई उस गरीब मूल निवासी के बातों में ना आ जाए जो बुद्ध को मानता है। कोमाता ने उस समाज का प्रतिनिधित्व किया है जो पढ़ा लिखा नहीं है मगर संपत्ति अटूट है, उसे गाय भैंसों के मालिक चरवाहा के रूप में दिखाया गया है, जिसकी आइडियोलॉजी क्लियर नहीं है, जो एक तरफ शेखर मतलब पढ़े लिखे शोषक उच्चभ्रू धार्मिक रुतबा रखने वाले समाज के वर्चस्व को सम्मान भी देती है और उसकी कमियां निकालने पर या टोकने पर उस उच्चभ्रू समाज का बुरा होने के लिए श्राप भी देती है, तो दूसरी तरफ गरीब किसान से पिंगे भी बढ़ाना चाहती है। और जब टकराव गरीब और उच्चभ्रू के आइडियोलॉजी के बीच आती है तो बगैर कुछ जाने समझे सीधे उस उच्चभ्रू के पाले में चली जाती है, जिन्हें हम बिन पेंदे का लोटा कहते हैं, जो फायदा लेने के लिए कभी दोनों आइडियोलॉजी को अच्छा कहते हैं तो कभी कोसते हैं, मगर वक्त पड़ा तो बगैर जाने समझे उस भीड़ का हिस्सा होते हैं या उन्हें समर्थन देते हैं जिन्होंने भगवान बुद्ध के विचारों को जमीन में धसा दिया है। मैं पहले बताया है पारंजीत ने अपना युक्तिवाद दिया है कि वह जब बाबा साहब द्वारा लिखित बुद्धा एंड हिज धम्मा पढ़ रहा था तब उसे शॉर्ट फिल्म बनाने की आइडिया आई। धम्म में एक प्रसंग है जब कोलिया और शाकों में रोहिणी नदी के पानी के बंटवारे के लिए संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है जो युद्ध पर आकर ठहरती है। बुद्ध युद्ध का विरोध करते हैं और शाक्य संघ के निर्णय का विरोध करने से उन्हें देश निकाला जाने की सजा मिलती है। उस झगड़े में पानी का बंटवारा यह प्रमुख प्रश्न है ना कि युद्ध। युद्ध के सिवाय और भी अनेक मार्ग हो सकते थे मगर जब मानव का मन असल बात को जाने बगैर पूर्वग्रहित होकर सिर्फ टकराव पर आता है तो उसका भी उतना ही बुरा होता है जितना उसके विरोधियों का। ये चौथा एंगल भी इस फिल्म ने क्लियर किया है। और पांचवा एंगल है जिसमें सारे कैरेक्टर अपने कैरेक्टराइजेशन से स्थिति का रूपांतर करते हैं, वो ऐतिहासिक रूपांतर है। वो है बुद्ध क्रांति के बाद यहाँ के मूल निवासियों ने बुद्ध धम्म को अपना लिया, जिसमें आगे वैचारिक मतभिन्नता उभरी, कुछ बुद्ध को भगवान मानने लगे तो कुछ उनके विचारों की पूजा करते थे जैसे महायानी और हीनयानी, फिर भी सभी एक दूसरे के बातों का सम्मान करते हुए मेहनत कर अपना जीवन शांत तरीके से जी रहे थे, मगर ये सब विदेशी आर्यों को पसंद नहीं था, उन्होंने बुद्ध विचारों और तत्वों में अतिक्रमण करना शुरू किया, जिसके लिए कुछ मूल निवासी आसानी से तैयार हो गए तो कुछ ने उनका रास्ता रोका, तो आर्य हिंसा पर उतारू हो गए। बुद्ध विचारों पर चलने वाला मूल निवासी वैसे तो बलशाली था, लड़ना भी जानता था मगर हर संभव शांति से हिंसा का निपटारा चाहता था, मगर हिंसा पर उतारू आक्रांताओं को हिंसा पर ही भरोसा था, उन्होंने शारीरिक तथा वैचारिक बल प्रयोग शुरू किया, मूल निवासी ने प्रतिरोध किया और हर बार जीतता भी था, फिर भी हर बार हाथ जोड़कर अहिंसा की गुहार लगाता गया, जिससे आक्रांताओं का जोश दुगना होता गया और वे एकत्रित होकर प्रहार करने लगे और मूल निवासी के दया धर्म का फायदा उठाकर उसके धर्म से लेकर आर्थिक क्षेत्र में अतिक्रमण कर उसकी नाकेबंदी कर हर क्षेत्र में सीमित कर दिया। जो मूल निवासी पहले मालक था वो उनकी सेवा करने में लग गया, जो आज भी कर रहा है। इस कहानी के और भी कई पहलू हैं जो पारंजीत ने इस शॉर्ट फिल्म में हमारे सामने उजागर किए हैं। मैं समझता हूँ इस विश्लेषण से बहुत से लोगों के डाउट्स क्लियर हुए होंगे, फिर भी किसी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, सभी उत्तर देने की मैं कोशिश करूँगा। तो जय भीम दोस्तों, नमो बुद्धाय। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो
तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही आने वाले वीडियो के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।